हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता योर मैथ टीचर और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास सेवेंथ का चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन लेट मी रिमाइंड यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। आज हम बात करेंगे कि हम किन्हीं भी फ्रैक्शंस को ऐड कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं या फिर डिवाइड कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। मींस हमें फ्रैक्शंस गिवन होंगे, हम उनकी एडिशन कैसे करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट वन है कि हम एक फ्रैक्शन और इंटीजर को कैसे ऐड करते हैं। मींस हमें एक फ्रैक्शन गिवन होगा और एक इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट गिवन है 5/8 + 1। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आपके पास क्या है, इंटीजर। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास जो न्यूमरेटर है वो लेस है डिनोमिनेटर से। दैट्स वाई ये आपके पास कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप एक फ्रैक्शन और इंटीजर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो दो तरीके हैं इसको करने के। द फर्स्ट वन इज आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे जो भी इंटीजर मेंशन होगा आप उसको वैसा का वैसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसा आपको फ्रैक्शन गिवन है। मीन्स जैसे आपको फ्रैक्शन कितना गिवन है, 5/8। अब आपके पास यहाँ पे इंटीजर के लिए क्या है, 1। आप क्या करेंगे, जो भी गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो आपको इस वाले इंटीजर का क्या बनाना है, डिनोमिनेटर। अब आप देख सकते हैं कि किसी भी इंटीजर के अपॉन में या फिर किसी भी नंबर के अपॉन में हमेशा क्या होता है, 1। नाउ अब इसका आपके पास डिनोमिनेटर कितना है, 8। तो आपको क्या करना है, आपको गिवन फ्रैक्शन का या गिवन इंटीजर का भी डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 8। आप कैसे बनाएंगे उसे, मल्टीप्लाई बाय 8 बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई ऑपरेशन मैथ्स में आप डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप कहाँ अप्लाई करेंगे, सेम न्यूमरेटर पे। तो अब आपके पास जो इंटीजर 1 था वो क्या बन चुका है, 8 × 8 / 8। हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपके पास अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स आपके पास जो फ्रैक्शन है उन्हें आप क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो आपके पास एडिशन कैसे होती है, डिनोमिनेटर एज इट इज और आप इनको क्या कर देंगे, 8। 8 + 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 13, एंड दैट इज योर आंसर। नाउ अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मीन्स आपके पास इसी को करने का दूसरा मेथड क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं, हमें पता है हर नंबर के आपके पास डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1। अब देखिए आपका जो फर्स्ट स्टेप हमेशा रहेगा, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन की एडिशन इंटीजर के साथ हो या फिर किसी भी फ्रैक्शन की एडिशन दूसरे फ्रैक्शन के साथ हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। आपको क्या करना है, आपको हमेशा डिनोमिनेटर पोर्शन का क्या लेना है, LCM। LCM अगर आप 8 और 1 का लेंगे, देखो किसी भी नंबर का LCM आप 1 के साथ लोगे कभी भी तो हमेशा क्या आएगा, वही नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 7 का और 1 का क्या लेना है, LCM, तो आपके पास जो LCM है वो कितना आएगा, 7। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो भी गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको और इस वाली चीज को दोनों को आपस में क्या करना है, आपको सबसे पहले डिवाइड। अगर आप डिवाइड करेंगे, 8 को 8 से डिवाइड करके देखिए, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आएगा, 1। जो भी आपके पास डिवाइड करने के बाद आंसर आया है उसको आप न्यूमरेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो आपके पास कितना आया था, 1। 1 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5। 5 × 5। नाउ सेम फॉर नेक्स्ट, अभी भी आप क्या करेंगे, अभी भी आप को क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है 1 से। तो जब आप 8 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 8। नाउ अब जो भी आपके पास डिवाइड करने के बाद आया है उसको आपको न्यूमरेटर के साथ क्या कराना है, मल्टीप्लाई। 8 × 8। नाउ अब आपके पास
ये आपके पास कितना हो चुका है, 8. दिस इज 8. नाउ अब आपको क्या करना है, 8 + 5 = 13. सिंपल एडिशन, बोथ द आंसर्स आर सेम. तो आप ये मेथड फॉलो करें या फिर ये करें, एक ही बात है. पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला मेथड फॉलो करें, क्योंकि ये आपके पास चाहे दो फ्रैक्शन की एडिशन हो या दो से ज़्यादा की हो या फिर फ्रैक्शन और इंटीजर की एडिशन हो, ये मेथड आपके पास हर जगह एप्लीकेबल होता है. नाउ अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, 5 / 8 + 0 है, ये तो नॉर्मल सी भी बात है. आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, अगर आप उसमें 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वही नंबर. तो 5 / 8 + 0 आपके पास कितना आ जाएगा, 5 / 8. इन्होंने किस मेथड से किया है, इन्होंने देखो वही किया है जो मैंने आपको ये वाला बताया है, मीन्स 5 / 8 और प्लस में कितना था, 0. तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कभी भी किसी भी इंटीजर की एडिशन फ्रैक्शन के साथ आए तो आपके पास जो गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वही आप क्या करेंगे, आप इस इंटीजर का डिनोमिनेटर बनाएंगे. अब अंडरस्टूड है कि इसके अपॉन में कितना है, 1. अब 8 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 से. अगर डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई की है तो न्यूमरेटर में भी किससे होगी, 8 से. नाउ अब आपके पास 5 / 8 हो गया. नाउ 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास कितना आएगा, 0. क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आता है, 0. 8 बन जा 8. अब 0 अपॉन में एनीथिंग, एनी नॉन जीरो नंबर, 0 अपॉन में एनी नॉन जीरो नंबर आपके पास हमेशा क्या देता है, 0. तो 5 / 8 + 0 आपके पास कितना आ गया, 5 / 8. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों का आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुका है, दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है. तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर 8, 5 + 0 आपके पास कितना आंसर आ गया, 5 / 8. बोथ द मेथड्स आर सेम. ठीक है, क्लियर है आपको. नाउ ये आप खुद से ट्राई करेंगे. अब हम बात करेंगे, अभी हमने क्या सीखा कि हमने किसी फ्रैक्शन को और किसी भी इंटीजर को ऐड किया. अब हम क्या देखेंगे कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे. अब देखो इसमें जो भी मेथड है हम वही एलसीएम वाला ही फॉलो करेंगे. मींस कैसे, जैसे 2/3 + 3/4 आपको क्या गिवन है, आपको दो फ्रैक्शंस गिवन है और आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हम क्या करेंगे, हमें इनको ऐड करना है. तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, जो भी आपके पास गिवन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है उसको आप क्या करेंगे, उनका क्या लेंगे आप, एलसीएम. तो 3 और 4 का एलसीएम लेना है. द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपके पास बोथ द नंबर्स आर कोप्राइम. मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर आपके पास कोप्राइम है तो उनका एलसीएम हमेशा क्या आता है, उन नंबर्स की प्रोडक्ट. 3 × 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 12. अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं, 3 × 3 = 4. अब आप इसको 2 से कर लीजिए या 4 से कर लीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 2. अब आप एलसीएम लेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12. बोथ द मेथड्स आर सेम. ठीक है, 3, 4 + 12 आपके पास क्या आ चुका है, एलसीएम. अब मैंने आपको क्या बताया, आप सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले नंबर के डिनोमिनेटर के साथ. तो जब आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 / 3. 3 × 3 = 12. सो दिस इज 4. नाउ अब आपके पास जो भी डिवाइड करने के बाद आया है उसके आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है, किसके साथ, इस गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, 4 × 2 = 8. नाउ अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है आपको 12 को डिवाइड करना है उस डिनोमिनेटर से. तो आप क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ. डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आ गया, 3. तो जो भी आपके पास कट करने के बाद आया है उसमें आप क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ. तो आपके पास कितना हो गया, 3 × 3 = 9. नाउ अब आपके पास ऐड हो चुके हैं,
सिंप्लीफाई आपने कर लिया है, अब आपको सिंपल ऐड करना है। नाउ अब आपको क्या करना है, 9 + 8 = 17, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 17/12, विच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें आपके पास जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है देन द डिनोमिनेटर। नाउ दिस इज योर आंसर। अब हम बी पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें आपके पास क्या है, 5/6 + 7/9 - 1/2, मीन्स आपको क्या करना है, इस बार आपको कितने फ्रैक्शंस को ऐड करना है, 3 फ्रैक्शंस को। नाउ सेम प्रोसीजर, आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया गया है कि आपके पास जो भी फ्रैक्शंस गिवन है आपको उनका सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले पोर्शन का क्या लेना है, एलसीएम। तो हम एलसीएम करते हैं 6, 9 और 2, डिनोमिनेटर यही है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम जब आप लेंगे तो 2 से कर लो, 2 × 3 = 6, 9 × 2 = 2। कोशिश करना आप हमेशा स्टार्टिंग छोटे नंबर से करो, स्मॉल नंबर से। नाउ 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 एंड गिवन इज 1। नाउ 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, एलसीएम जब आप लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। सो दिस इज योर एलसीएम। एलसीएम जब आपने 3 नंबर्स का किया तो आपके पास कितना आया, 18। अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एलसीएम आया है आपको क्या करना है, गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करके देखना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने पे कट होगा, 6 × 3 = 18। फिर आपको क्या करना है, जो भी डिवाइड करने के बाद आया है आपको उस गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 × 5 = 15 प्लस, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको डिवाइड करेंगे 18 को 9 से, तो आपके पास कितने पे जाएगा, 9 × 2 = 18 एंड 2 × 7 = 14। अब आपके पास कौन सा साइन है, माइनस, तो आप क्या प्लेस करेंगे, माइनस। नाउ 2 × 9 = 18, 9 × 1 = 9। अब मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले क्या सोल्व होती है, एडिशन। तो हम पहले ऐड करेंगे, 5 + 4 = 9, 1 + 1 = 2, −9/18। नाउ 29 - 9 आपके पास कितना हो जाएगा, 20/18। अब आपको क्या करना है, 20/18 को देखो, यहाँ तक आप मतलब यहाँ तक छोड़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप हमेशा कोशिश करें, मैथ्स में आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं हमेशा आंसर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में आंसर दें आप। तो ये अगर कट हो सकता है तो काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 0 × 2 × 9 = 18। अब आपके पास लोवेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, कि ऐसी फॉर्म जब आपके पास किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैसे हो जाए, कोप्राइम, मींस उन्हें डिविजिबल मतलब डिवाइड करने के लिए कोई भी नंबर ना रहे अदर देन 1। तो आपके पास कितना आ गया, 10/9, दिस इज योर आंसर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब तक हमने क्या सीखा, हमने फ्रैक्शंस की एडिशन सीखी, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट वन क्या है आपके पास, कि अ फ्रैक्शन एंड एन इंटीजर, मीन्स आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फ्रैक्शन की और एक इंटीजर की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हमने आपके पास इंटीजर क्या ले लिया, 2, और फ्रैक्शन हमने क्या ले लिया, 1/2। मल्टीप्लाई कैसे होती है, देखो 2 × 1/2, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम हमेशा न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं किसी भी फ्रैक्शन में, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। आप चाहे तो इसके नीचे कितना कंसीडर कर सकते हैं, 1, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है। नाउ न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 एंड 1 × 2 = 2, तो आपके पास कितना आ गया, 2/2। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि आप हमेशा आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो आंसर आपके पास कितना आ गया, 1। अब ये इसके जो पीछे का पूरा लॉजिक है वो बता रहा है, मीन्स कैसे, उसने कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक लड्डू का हाफ पोर्शन है और जो हाफ है वो हमारे किसी फ्रेंड के पास है। वही बताया है कि हाफ अ लड्डू हमारे पास है एंड अनदर हाफ किसके पास है, फ्रेंड के पास। तो उसने डायग्रामेटिकली इस चीज को कैसे दिखाया है, कि मान लीजिए आपके पास ये लड्डू है और इस लड्डू का हाफ ऐसे ही होगा, हाफ, तो जो हाफ वाला पोर्शन है ये किसके पास है, हमारे पास,
और जो हमारा हाफ वाला पोर्शन है वो किसके पास है? फ्रेंड के पास। ये मेरे पास है, ये फ्रेंड के पास है। अब उसने क्या कहा कि अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास हाफ प्लस हाफ पूरा क्या बन जाएगा, कंप्लीट लड्डू। तो उसने कहा कि द शेडेड पोर्शन ऑफ टू सर्कल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी साइन रिप्रेजेंट टू इक्वल हाफ्स। मींस आपके पास शेडेड पोर्शन में इक्वालिटी के जो राइट साइड में आपके पास जो भी गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है, एक लड्डू का हाफ हाफ पोर्शन गिवन है। सर्कल ऑन द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द कंप्लीट सर्कल, मीन्स ये आपको क्या दिखा रहा है, कंप्लीट सर्कल। इसको सिंपली नॉर्मली बात करते हैं, अगर आप हाफ प्लस हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, वन। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी तो देख सकती हूँ ना। देखो कोई भी चीज़ है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक कोई भी क्वांटिटी है और सिमिलर क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि टू टाइम्स ऑफ क्वांटिटी। मीन्स अगर मेरे पास एप्पल प्लस एप्पल है तो मैं क्या कह सकती हूँ, टू टाइम्स ऑफ एप्पल। तो वही है टू टाइम्स ऑफ लड्डू। तो आपके पास हाफ प्लस हाफ को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ हाफ। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि मुझे वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितना आएगा, हमें पता है ये कितना आएगा, फोर। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो कह सकती हूँ ना कि फोर टाइम्स आपके पास क्या है, वन। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो ये कितना हो गया, फोर बन जा फोर। तो वो वही बता रहा है कि आप अगर आपके पास कोई भी सेम क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर रहे हैं तो आप उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टू टाइम्स सेम क्वांटिटी है तो टू टाइम्स ऑफ वन बाय टू, और वो सोल्व करके आपको कितना दे देगा, वन, दैट वन। नाउ सिमिलरली अगर आप सिक्स मल्टीप्लाई वन बाय थ्री करते हैं तो कैंसिल करने के बाद आपके पास कितना आ गया, टू। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, टू। नाउ इन्होंने अब नेक्स्ट कंसिडर क्या किया है, अब बताया गया है कि अभी अभी हमने क्या देखा कि हम किसी भी नंबर की या इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। लेकिन अगर हम किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ, इंटीजर या होल नंबर की, तो आपके पास क्या होगा। मान लीजिए आपके पास यही है 5 मल्टीप्लाई 8 बाय 3, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है क्या कि आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे। 5 8 जा 40 बाय 3। अब आपके पास ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ए होल पार्ट एंड मतलब एक होल क्वांटिटी और उसका एक पार्ट, मीन्स मिक्सड फ्रैक्शन में। मिक्सड फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं, 40 को डिवाइड करना है 3 से, यही मीनिंग है इसका। 3 1 जा 3, 4 minus 3 1, एंड दिस इज 0, 3 3 जा 9, 10 minus 9 1। नाउ अब आप इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हमेशा आप पहले क्या लिखते हैं, क्वोशेंट, एंड आफ्टर दैट प्रॉपर फ्रैक्शन के टाइम पे आप क्या लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर, और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, डिवाइजर। सो इसको अगर ऐसे ही एक्सप्रेस करना है तो कैसे लिखेंगे, 13 of 1 by 3, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वन आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या एक प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी होल नंबर के साथ तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर वाला पोर्शन हमेशा फ्रैक्शन के न्यूमरेटर वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई होता है, और आपके पास जो आपके पास गिवन फ्रैक्शन होगा मान लो यही है, तो इसका जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है वो आपके पास किससे मल्टीप्लाई होता है, गिवन होल नंबर या इंटीजर से, और आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो हमेशा कैसे आता है, एज इट इज। द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मिक्सड फ्रैक्शन विद ए होल नंबर। मीन्स आपको क्या करना है, एक होल नंबर आपको गिवन है, आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, मिक्सड फ्रैक्शन के साथ। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 9 into 5 of 2 by 3 मल्टीप्लाई करनी है आपको इनकी। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि हम किसी भी होल नंबर या किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई किसके साथ कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। तो हम पहले क्या करेंगे, हम मिक्सड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, आपको क्या करना है, आपको इन दोनों की क्या करानी है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपको उसमें इसको क्या करना है, ऐड।
फाइव थ्री जा 15, 15 प्लस टू 17, सो 17 बाय 3। नाउ अब आपको मैंने अभी अभी बताया कि आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर वाले पोर्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो जाएगा एज इट इज़, या फिर अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। बट इससे बेटर क्या है कि अगर आप ये कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप क्या कर लो, इसको सोल्व कर लो। 3 वन जा 3, 3 थ्री जा 9, नाउ 17 थ्री जा 51, ये ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 17 की 9 से मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन में, फिर आप किससे डिवाइड कीजिए 3 से, फिर भी आंसर आपके पास कितना आएगा 51। नाउ अब आपके पास ये एग्जांपल देखिए, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है और इम्पोर्टेंट है ये। देखो, इन ए क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स, मीन्स एक क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल 60। नाउ वन थर्ड मीन्स, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। अगर मैं इसके इक्वल 3 पार्ट्स करती हूँ, इक्वल 3 पार्ट्स कैसे करने हैं आपके पास, कैसे भी कर लो, इक्वल होनी चाहिए बस। ये आपके पास कितने पार्ट्स हो गए 2, और ये अब आपके पास कितने पार्ट्स हो गए 3। ये इक्वल नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ये पार्ट्स आपके पास कैसे हैं इक्वल। तो वन थर्ड का क्या मतलब है कि अगर मैं एक पोर्शन को इसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो इसको आप क्या कहते हैं 1/3। ये मैंने आपको फ्रैक्शन के टॉपिक में बताया था। अब वन थर्ड ऑफ देम आर गर्ल्स मीन्स आपके पास जो टोटल बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 60। अब वन थर्ड ऑफ देम मीन्स इनका वन थर्ड ऑफ देम कितने आपके पास 60। तो आपके पास वो क्या बनेगी, गर्ल्स। अब इसने आपसे यही पूछा है कि बताइए क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, तो आप कैसे बताएंगे 1/3। ऑफ को हम कैसे ट्रीट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की तरह, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 60। नाउ अब आप क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट ही सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। 3 टू जा 6 0 मीन्स 21 जा 20, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 20। नाउ अब आप सिंपली इनको भी कर सकते हैं, ये आपको यही बता रहा है कि आपके पास जो ऑफ ऑपरेटर है उसका यूज़ आप कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरह। मीन्स जैसे 1/4 ऑफ 20 है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे 1/4 ऑफ को मल्टीप्लाई की तरह, और ये आपके पास क्या हो गया 20। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 5। नाउ द नेक्स्ट वन इज मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ करते हैं तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। इसी के रिगार्डिंग हम क्या देखते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल आपके पास क्या कहता है, सपोज योर फादर हैज़ बोट अ बिग बार ऑफ चॉकलेट। मान के चलिए कि आपके फादर एक चॉकलेट लेके आए हैं पूरा पीस, ही डिवाइडेड इट इंटू 2 इक्वल पीसेस। मान लीजिए कि एक चॉकलेट है, ठीक है, ये एक चॉकलेट है, और आपके फादर ने क्या किया, इसको 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया, लो मान लो हाथ से, ठीक है। नाउ एंड गेव 1 पीस टू यू, मीन्स जो ये 2 इक्वल, ध्यान रखना है ये दोनों पीसेस कैसे हैं इक्वल। नाउ अब उन्होंने क्या किया कि इसका जो हाफ पीस है ये वाला पोर्शन, ये आपको दे दिया और हाफ पीस उन्होंने अपने पास रख लिया। अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि भाई जो मुझे हाफ पीस मिला है ना, मैं उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करूँगा। यू डिवाइडेड योर पीस ऑफ चॉकलेट इंटू 3 इक्वल पीसेस, मीन्स आपने क्या किया, आपके पास चॉकलेट का हाफ पीस है, आपने सोचा कि मैं इन्हें अपने और 2 फ्रेंड के साथ इस वाले पीस को शेयर करूँगा। तो अब टोटल आपके पास कितने हैं, एक आप हैं और 2 फ्रेंड हैं, मीन्स टोटल आपके पास कितने हो गए 3। अब आपने इस हाफ वाले पोर्शन का क्या किया है, 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं। हाउ मच डिड ईच ऑफ यू गेट, तो आपके पास जो आप 3 हैं, मीन्स आप और आपके 2 फ्रेंड, तीनों को टोटल कितना पीस मिला है ईच का बताना है, मीन्स एक एक को क्या क्या मिला है पूरी चॉकलेट का। चॉकलेट मीन्स हाफ, अब आपके पास चॉकलेट का मतलब हाफ है, एक पीस की जगह आपके पास क्या है हाफ पीस। तो देखो
सबसे पहले आपके पास कितना है, हाफ। अब आपके पास, आपको इस हाफ के कितने पीसेस करने हैं, थर्ड। तो ईच पर्सन को कितना मिलेगा, टोटल चॉकलेट अभी आपके पास कैसे कंसिडर हो रही है, हाफ। अब आपको क्या मिलेगा ईच पर्सन को, टोटल आपके पास कितने इंसान हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, थ्री, वन टू थ्री। अब ईच पर्सन को क्या मिलेगा, वन बाय थर्ड ऑफ टोटल। टोटल कितना है आपके पास, वन बाय टू, तो वन बाय थ्री ऑफ वन बाय टू। नाउ वन बाय थ्री ऑफ किसकी तरह ट्रीट होता है, मल्टीप्लाई की तरह, दिस इज वन बाय टू। वन वन जा वन, थ्री टू जा सिक्स, तो आपके पास ईच पर्सन को क्या मिलेगा, वन बाय सिक्स ऑफ द चॉकलेट बार। नाउ आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि अगर आप दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होती है। तो दिस इज द रिजल्ट जो हमने निकाला है। नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, मोर अबाउट एग्जाम्पल्स। टिल देन कीप प्रैक्टिस विद दीज एग्जाम्पल्स। थैंक यू।